एलएल रोटेशन क्या होती है, व्हेन इंसर्टेड नोड इज इन दी लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड ए। इसका क्या मीनिंग है मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज करो हमारे पास ये दो नोड पहले से ही ट्री में है, ठीक है। इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, जीरो। इसका बैलेंसिंग फैक्टर होगा प्लस वन, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज वन और राइट सब ट्री इज जीरो, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इंसर्ट एट, एट कहाँ इंसर्ट होगा, एट इज लेस देन टेन तो लेफ्ट में जाएगा, एट इज लेस देन नाइन तो इसके लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ इंसर्ट हो गया। अब मैंने बैलेंसिंग फैक्टर निकाला तो इसका फैक्टर तो जीरो आएगा, इसका क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो तो प्लस वन, इसका कितना हो जाएगा, टू माइनस जीरो तो ये हो गया प्लस टू। अब ये नोड की वैल्यू प्लस टू हो गई है वो हमारा ए नोड होगा। अब ये क्यों अनबैलेंस्ड हुआ, अभी तो ये बैलेंस्ड था 10, लेकिन ये क्यों अनबैलेंस्ड हुआ, क्योंकि उसके लेफ्ट सब ट्री की लेफ्ट में इंसर्शन हुआ, ठीक है। अगर मैं इसे कह रही हूँ लेफ्ट साइड नहीं बोलती, लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री के भी लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुआ, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ, इसीलिए यहाँ पर हमें कौन सी देनी होगी, एल एल रोटेशन। यहाँ पर ये हो गया ए नोड जो अनबैलेंस्ड हुआ है, उसका लेफ्ट सब ट्री यानी कि हो गया बी, और जो इंसर्ट हुआ है लेफ्ट में वो हो गया सी। तो एल एल रोटेशन में हमें क्या करना होता है कि आपको मिडिल नोड यानी जो बी है उसको पकड़ के आपको नोड्स को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो बी को हमने पकड़ा यानी कि वो बी हो गया सेंटर में, और क्लॉकवाइज घुमाया तो ए कहाँ चला जाएगा, राइट साइड, ए इधर आ गया, और सी जो है वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड। अभी भी देखो ये बाइनरी सर्च ट्री है, नाइन से वैल्यू लेसर एट होती है, एट इज़ लेस देन नाइन इसीलिए लेफ्ट में है, और टेन क्योंकि एट नाइन से ग्रेटर है इसीलिए राइट में है। तो इस टाइप से ये रोटेशन हो गया, सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ पर आ गया। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, इसका वन माइनस वन यानी कि ज़ीरो। तो ये जो था वो अनबैलेंस्ड था ट्री, अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, सबका ज़ीरो हो गया। अब इन जनरल अगर हम समझें इसको, तो सपोज करो ए बी हमारे पास ये नोट ये ट्री है, इस बी के साथ दो सब ट्रीज हैं हाइट एच के, ठीक है, इसकी हाइट भी एच है, इसकी हाइट भी एच है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री दोनों ही एच है, तो एच माइनस एच ज़ीरो। ए के साथ एक नोड अटैच्ड है, ए का राइट नोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस साइड हाइट कितनी हो गई, इस साइड हाइट हो गई एच प्लस वन, क्योंकि एच हाइट का तो बी है, है ना, इस साइड इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, एच, और वन ये वाला हो गया, तो ये हो गया h प्लस वन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या है, h, तो h प्लस वन माइनस h यानी कि प्लस वन, तो a की a का बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया, प्लस वन, ठीक है। ये b का लेफ्ट सब ट्री है, ये b का राइट सब ट्री है, तो ये बैलेंस्ड एवियल सर्च ट्री है। अब सपोज मैंने कहा इंसर्ट x इंटू बी एल, यानी कि आपको यहाँ पर सपोज कोई नोड इंसर्ट करना है, तो बी एल नोड इंसर्ट हो गया, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी, वन, ये वन हाइट का हो गया ऐड, तो इस साइड ये दोनों हाइट मिला के कितनी हो गई, एच प्लस वन, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज एच प्लस वन, और इसकी हाइट राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, वन, तो एच प्लस वन माइनस एच तो प्लस वन, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया, प्लस वन। अब ए का बैलेंसिंग फैक्टर निकालना है तो हाइट क्या हो जाएगी, लेफ्ट इसकी एच प्लस वन प्लस वन ये वाली हाइट, तो ये हो जाएगी h प्लस वन प्लस वन, एच प्लस वन इसकी हाइट प्लस ये वाली एच मिला के हो गई h प्लस वन हाइट माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज h, तो ये हो गया प्लस टू। तो a हो गया अनबैलेंस्ड, क्यों अनबैलेंस्ड हुआ, ये वाला नोड जो है इस नोड a के लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है। तो जब लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्शन होता है तो हमें एल एल रोटेशन देना होता है। एल एल रोटेशन में हम क्या करते हैं, बी नोड को हम सेंटर में लेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो ए इधर चला जाएगा रोटेट होके, ए के साथ ए आ था। अब बी के साथ क्या है, दो नोड्स थे, एक ये वाले नोड्स और ये दो नोड्स और एक ये,
तो अब क्या होगा, अगर मैं बी के साथ बी आर भी अटैच कर देती तो ये बाइनरी सर्च ट्री होता है क्या? बाइनरी मतलब हर एक नोड के मैक्सिमम टू नोड्स होने चाहिए, यहाँ तो तीन हो जाते बी के साथ, दो ये और एक ए, तीन हो जाते, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करने के बाद बी के पास ये जो एक्स्ट्रा नोड आ रहा है, ये नोड तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये इसका राइट चाइल्ड था बी का, तो इसका जो नया राइट चाइल्ड बना है यानी कि ए, उसके पास चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया, इस टाइप से ये जो बी आर है वो ए का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, क्योंकि ए के राइट चाइल्ड तो पहले ही था, तो ये जो बी आर है वो ए का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। अब बैलेंसिंग फैक्टर हम निकाले तो ये क्या हो गया, ये तो एच प्लस वन हाइट है और ये क्या है, ये भी एच एच के हैं दोनों, तो यहाँ पर ये क्या हो गया एच प्लस वन हाइट, और यहाँ पर भी कितनी हो गई ये एच हाइट, ये इसकी है प्लस वन, तो एच प्लस वन माइनस एच प्लस वन तो ज़ीरो, यहाँ पर एच माइनस एच तो ज़ीरो, ठीक है। तो इस टाइप से ये ट्री क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। कोई ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, तो सपोज करो हमारे पास ये एवीएल ट्री था, ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है, सभी का बैलेंसिंग फैक्टर इन सब का ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन, क्योंकि टू माइनस वन तो प्लस वन है, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है। अब क्या करना है, हमें 36 इंसर्ट करना है। अब 36 कहाँ होगा, 96 से छोटा है, 85 से भी छोटा है, 36 से भी छोटा है, तो ये 64 के लेफ्ट में जाके इंसर्ट हो गया। अब बैलेंसिंग फैक्टर निकालें तो लीफ नोड्स का बैलेंसिंग फैक्टर तो ज़ीरो होता है, ठीक है, इनका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया ज़ीरो, इसका क्या हो जाएगा वन माइनस ज़ीरो तो प्लस वन, इसका कितना हो जाएगा वन, टू हाइट है लेफ्ट सब ट्री की, टू माइनस वन तो प्लस वन, इसकी कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री मैक्सिमम क्या है थ्री, थ्री माइनस वन तो हो गया प्लस टू, ठीक है। अब ये हो गया अनबैलेंस्ड, तो ये हमारा हो गया ए नोड जो प्लस टू हो गया है। अब इसके लेफ्ट सब ट्री यानी कि बी, 85 हमारा क्या है बी, इसके लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया सी। ए जहाँ प्लस टू आया है उसके नेक्स्ट वाला बी, उसके नेक्स्ट वाला सी, अब लेफ्ट ए के लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, तो हमें कौन सा रोटेशन देना होगा, एल एल रोटेशन। तो एल एल रोटेशन क्या कहता है कि बी को सेंटर में रखो और क्लॉकवाइज इसको रोटेट करो, तो बी को सेंटर में रख के जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 85 ऊपर आ जाएगा, 96 लेफ्ट में जाएगा, इसके साथ 110 है, और बी के साथ 64 और 36 है, लेकिन बी के साथ 90 भी है, तो ये 90 कहाँ जाएगा, क्योंकि ये बी का राइट चाइल्ड था, तो अब इसका नया राइट चाइल्ड क्या है ए, इसके पास चला जाएगा, कहाँ पर, उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बी बाइनरी सर्च ट्री है ही, 85 से छोटा है 64, 64 से 36 छोटा है, 85 से 96 बड़ा है, 96 से 90 छोटा है, 96 से 110 बड़ा है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री है, और जब आप इसके बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे तो 0 0 और प्लस 1 आएगा, यानी कि ये हो गया बैलेंस्ड।